हेलो एवरीवन, आप सभी का हलचल इन बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। सिंगिंग में लकी अली एक ऐसा नाम है जिसकी आवाज 90s से लेकर के आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रही है। लकी अली की आवाज और अंदाज बाकी सिंगर्स से काफी अलग है, जो लोगों को उनका कायल बनाती है। पर केवल उनकी आवाज ही अलग नहीं है, बल्कि उनके जीने का अंदाज भी काफी जुदा है, जिसके बारे में आप जानेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लकी अली बॉलीवुड के फेमस एक्टर महमूद के बेटे हैं और फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी उनकी मौसी थी। लकी अली का रिश्ता अपने पिता से कभी भी बहुत करीबी नहीं रहा। वो अपने 8 भाई बहनों में दूसरे स्थान पे थे। महमूद अली 70 के दौर में काफ़ी व्यस्त एक्टर हुआ करते थे और उन्होंने लकी अली को घर से दूर एक मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। कहा जाता है कि लकी अली ने अपने पिता को इतना कम देखा था कि जब वे 4 साल के थे और उनका पूरा परिवार उन्हें बोर्डिंग स्कूल लेने आया था, तो उन्होंने अपने पिता को देखकर नहीं पहचाना, बल्कि उन्हें देखकर कहा कि आप वही एक्टर हैं ना जो फिल्म में कॉमेडी करते हैं। लकी अली के पिता महमूद ने ही लकी अली को पहली फिल्म ऑफर की थी, पर उन्होंने स्क्रिप्ट पसंद ना आने के कारण इस फिल्म को मना कर दिया। लेकिन लकी अली के सिंगिंग करियर की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। अली ने सुनो म्यूजिक एल्बम से अपने करियर का पहला डिब्यूट किया। यह वीडियो एल्बम काफ़ी पॉपुलर हुआ था और MTV के एशिया चार्ट में इसका गाना ओ सनम 60 हफ्तों तक टॉप 3 के लिस्ट में रहा। इसके बाद लकी अली कभी नहीं रुके। म्यूजिक एल्बम के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर भी ट्राई किया, लेकिन उसमें वो खास चले नहीं। लकी अली खुद को फ्री स्पिरिट मानते हैं और उनकी कभी भी एक मंजिल नहीं रही। यही वजह है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3-3 शादियां की। उन्होंने पहली शादी अपने पहले वीडियो एल्बम की एक्ट्रेस मेघन जैन मैकलरी से की। मेघन न्यूजीलैंड से हैं और अली को उनसे 2 बच्चे भी हैं। अली ने अपनी पहली पत्नी से कहा था कि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में एक से अधिक शादियां लिखी हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी भी उनकी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और हमेशा इसे एक मजाक समझा। पर यह बात तब सच हो गई जब अली 2000 में अनाहिता से मिले और उनके प्यार में पड़ गए। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को इसके बारे में बताया और उसे राजी करने के बाद ही उन्होंने दूसरी शादी की। मेघन की तरह अनाहिता ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया और अपना नाम बदलकर इनाया रखा। दूसरी पत्नी से भी अली को 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दूसरी शादी के बाद महमूद ने अपनी दूसरी बहू को वार्निंग दी थी कि शायद अली तीसरी शादी भी कर ले, और लकी अली ने इस वार्निंग को सच भी कर दिखाया। कुछ सालों के बाद ही एक ब्रिटिश मॉडल और फॉर्मर मिस इंग्लैंड होल्डर केट एलिजाबेथ से लकी अली मिले और पहली नज़र में ही उन्हें उससे प्यार हो गया। केट को भी अली पहली ही नज़र में पसंद आ गए और फिर क्या था, 2010 में बेंगलोर में दोनों ने शादी कर ली। केट ने भी अपना रिलीजन चेंज कर लिया और अली से उन्हें एक बेटा है। अली की तीनों पत्नियां अलग अलग रहती हैं, पर बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं। पूरा परिवार अक्सर फंक्शंस पे इकट्ठा होता है और सेलिब्रेट करता है। आजकल लकी अली बॉलीवुड के तामझाम से दूर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। कभी कभी वो बस किसी कॉन्सर्ट में हिस्सा ले लेते हैं। लकी अली शादी की तरह ही अपना काम भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी वो कारपेट बेचते हैं तो कभी घोड़ों की नस्ल तैयार करते हैं, और अब यह ऑर्गेनिक खेती। उम्मीद है कि अली अब शायद किसी और शादी के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उनका धर्म उन्हें 4 शादियां करने की इजाज़त देता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।